जिस तरह हिंदू और सिख धर्म में शव का दाह संस्कार किया जाता है, इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग शव को दफनाते हैं, वहीं पारसी धर्म में शवों को आकाश के सुपुर्द किया जाता है, यानी उन्हें टावर ऑफ साइलेंस, जिसे दफना भी कहा जाता है, में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। पिछले करीब 3000 वर्षों से पारसी धर्म के लोग दोखमेनाशिनी नाम से अंतिम संस्कार की परंपरा को निभाते आ रहे हैं। भारत में अधिकांशतः पारसी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ही रहते हैं, जो टावर ऑफ साइलेंस पर अपने संबंधियों के शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। टावर ऑफ साइलेंस एक तरह का गोलाकार ढांचा होता है, जिसकी चोटी पर ले जाकर शव को रख दिया जाता है, फिर गेद आकर उस शव को ग्रहण कर लेते हैं। परंपरावादी पारसी आज भी दोखमेनाशिनी के सिवा किसी भी अन्य तरीके को अपनाने से इनकार करते हैं। पारसी भारत के समृद्ध समुदायों में से एक है। पारसी अहुरमजा भगवान में विश्वास रखते हैं। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व को बहुत ही पवित्र माना गया है। उनका मानना है कि शरीर को जलाने से अग्नि तत्व अपवित्र हो जाता है। पारसी शवों को दफनाते भी नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे पृथ्वी प्रदूषित हो जाती है, और पारसी शवों को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जल तत्व प्रदूषित होता है। परंपरावादी पारसियों का कहना है कि जो लोग शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, वो करे, लेकिन धार्मिक नजरिए से यह पूरी तरह अमान्य और गलत है। हालांकि पिछले कुछ समय से गिद्धों की कमी के चलते पारसियों को अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने में मुश्किलें होने लगी हैं। जानकारी अच्छी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।